हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। जिस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, उसी तरह श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्म को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि राधा रानी का जन्म कैसे हुआ था, और क्या आप जानते हैं कि जन्म के बाद राधा ने कई दिनों तक अपनी आँखें नहीं खोली थीं, और जब श्री कृष्ण उनके सामने आए तब राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली थीं और सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। दोस्तों, इस साल 26 अगस्त को राधा अष्टमी है, और आज के इस वीडियो में हम बरसाने की रानी श्री राधा रानी के जन्म से जुड़ी कहानी के बारे में जानेंगे। राधा श्री कृष्ण की प्रिय हैं और श्री कृष्ण राधा रानी के। राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। श्री कृष्ण का नाम जब भी लिया जाता है हमेशा राधा रानी के नाम के साथ ही लिया जाता है। तभी श्री कृष्ण का एक नाम राधा रमन भी है। श्री कृष्ण की प्यारी राधा रानी का जन्म रावल गांव बरसाने में हुआ था। तभी राधा रानी को बरसाने की रानी के नाम से भी जाना जाता है। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु है और इनकी माता का नाम कीर्ति देवी है। वृषभानु जी और कीर्ति देवी ने अपने पिछले जन्म में ये वरदान प्राप्त किया था कि उनके अगले जन्म में विष्णु जी बेटी के रूप में उनके घर में जन्म लेंगे। इसलिए माँ लक्ष्मी राधा रानी के रूप में वृषभानु जी और कीर्ति देवी के यहाँ आईं। पुराणों के अनुसार राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। राधा रानी भी श्री कृष्ण की तरह अजन्मी थी। एक दिन वृषभानु जी एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली। वृषभानु जी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। वृषभानु जी इस बालिका को अपने साथ अपने घर रावल गांव बरसाना लेकर के गए, और इस बालिका के घर पर आने से वृषभानु जी और कीर्ति देवी अत्यंत प्रसन्न थे। पर उन्होंने देखा कि यह बालिका अपनी आँखें नहीं खोल रही है। इस बालिका ने कई दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोलीं। फिर एक दिन वृषभानु जी के मित्र नंद जी अपनी पत्नी यशोदा और अपने पुत्र श्री कृष्ण के साथ वृषभानु जी के घर पहुंचे, और तब जब श्री कृष्ण उस बालिका के सामने गए तब एक चमत्कार हुआ और उस बालिका ने अपनी आंखें खोलीं। वह बालिका श्री कृष्ण की आँखों में देखती रही और श्री कृष्ण उस बालिका की आँखों में, और यह देख वृषभानु जी और कीर्ति देवी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस बालिका का नाम प्रसिद्ध हुआ बरसाने की रानी श्री राधा रानी के नाम से। तो ये है श्री राधा रानी के जन्म की कहानी। राधा रानी के जन्म को बरसाने में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। बरसाने में राधा रानी का एक प्रसिद्ध मंदिर है और हर साल राधाष्टमी के दिन यहाँ पर उत्सव का माहौल होता है। बरसाने में राधा रानी का एक और प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है रंगीली महल, जिसे जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने बनवाया है। अगर आप कभी मथुरा वृंदावन जाएं, तो बरसाने में राधा रानी के मंदिर और रंगीली महल ज़रूर जाएं। ये मंदिर अत्यंत सुंदर हैं। राधे राधे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।